आदरणीय भाई और बहनों, साथियों, मैंने पहले पार्ट में बताया धन चाहते हो तो धर्म करो, और मैं दूसरे पार्ट में आज बताना चाहता हूं मुक्ति चाहते हो तो भजन करो। हमें भगवान ने इस संसार में भेजा है मनुष्य के रूप में। मनुष्य सबसे उत्तम योनि है। अब मैं मुक्ति का मतलब बताता हूं। मुक्ति चाहते हो तो भगवान का भजन करो। मुक्ति किससे चाहते हो? इस संसार में 84 लाख योनियां हैं, उनमें चक्कर लगाना पड़ता है एक एक में। सबसे उत्तम मनुष्य है, इस योनि में आप आए हैं, तो हमें इस 84 लाख योनियों के चक्कर से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि एक ही उत्तम योनि है, मनुष्य योनि, जिसमें ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति इस संसार के आवागमन से और 84 लाख योनियों से, नहीं तो होगा क्या? अब जैसे मनुष्य हैं, हम मनुष्य यहां से हम चले जाएंगे मरने के बाद भगवान के पास, फिर हम दूसरी योनि में इस संसार में आ जाएंगे, उसमें मर जाएंगे, फिर हम तीसरी योनि में, फिर चौथी योनि में, फिर पांचवी योनि में। इस प्रकार से हम 84 लाख योनियों में चक्कर लगा के फिर हम मनुष्य योनि में दोबारा फिर आएंगे। अब ये कितने दिन में मौका मिलेगा आप सोच सकते हो, मेरी समझ से परे की बात है। तो भगवान ये कहता है बहुत बढ़िया, आपको मौका मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, आप इसमें ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य बुद्धिमान होता है, सब जीवों से अधिक बुद्धि होती है, और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है यदि आप चाहें तो। तो मैं तो ये सब मानता हूं साथियों, ये मौका चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो अब हम फिर कब तक चक्कर लगाते रहेंगे? फिर 84 लाख योनियों में, उसके बाद फिर 84 लाख योनियों में, ये तो कोई वो ठीक तरीका नहीं हुआ। हम इतने दुखों में घूमते रहे, इसे हमें छुटकारा पाना ही चाहिए। अब कैसे? ये तो ज्ञान प्राप्त करने से हो सकता है। ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम ज्ञान वेदों से प्राप्त कर सकते हैं, हम विद्वानों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऋषियों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, संसार के सारी चीजें छोड़कर हमें इस 84 लाख योनियों के आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाना ही चाहिए। ये बंधन ऐसा है, सोच नहीं सकते आप, गहराई से सोच कर देखिए जरा। तो हम इस संसार में आए हुए, संसार में आ तो गए, जाना भी है, लेकिन मुक्ति प्राप्त करके जाना चाहिए। साथियों, हमारे साथ ऐसा ही होगा यदि कुछ नहीं किया तो। महाभारत का एक उदाहरण देता हूं। अभिमन्यु जी चक्रव्यूह में ही मारे गए थे, उनको चक्रव्यूह में घुसना तो आता था लेकिन निकलना नहीं आता, क्योंकि उनके पिता अर्जुन ने जब चक्रव्यूह तोड़ने का उपदेश दिया, घुसने तक तो उसकी माता जागती रही, तो अभिमन्यु को ज्ञान हो गया, लेकिन जब निकलने की के बारे में अर्जुन जी बता रहे थे तब वो सो गई, तो अर्जुन को ज्ञान, उसको अभिमन्यु को ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए वो चक्रव्यूह से निकल नहीं सके। यही बात हमारे साथ है। हम संसार में आ तो गए, संसार में घुस तो गए, लेकिन सांसारिक इन बंधनों से
निकलना कितना मुश्किल काम है ये देखिए आप, हमें निकलना चाहिए। हम संसार में, हम संसार रूपी चक्रव्यूह में घुस तो गए हैं, लेकिन इसे निकलना भी हमें सीखना चाहिए। अभी मन्नू की माँ तो सो गई थी, जब हम तो इस चक्रव्यूह में घुसे हमारी माँ तो जाग रही थी सबकी। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने लग जाओ आज से ही, सारी बातों को छोड़ करके। हमारा ये काम नहीं है, इस संसार में आए हैं, संसार के साधन जुटाएं, खूब अच्छा माल खाएं यहाँ पर स्वादिष्ट, और फिर बच्चे पैदा हो जाएं, बच्चों को पाल पोस दें, फिर बूढ़े हो जाएं, फिर मर के चले जाएं, ये हमारा काम नहीं है। हाँ, ये तो पशु भी करते हैं इस काम को। हमारा काम केवल इस योनि में ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करना ही मुख्य काम है। साथियों, ऋषि दानंद जी ने मोक्ष प्राप्त किया, सारी दुनिया ने देखा। ऋषि दानंद जी शुरू में हमारे जैसे थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था। वो अपने गुरु जी के पास गए, वीरजानंद जी के पास, और वहां जाकर के दरवाजा खटखटाया। वीरजानंद जी ने अंदर से बोला, कौन? बोले जी, मैं यही तो नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं ये आपके पास जानने के लिए आया हूं मैं कौन हूं। वीरजानंद जी ने उनको ज्ञान दिया खूब, और उनको बताया कि मैं कौन हूं, और इतना ज्ञान दिया कि ऋषि दानंद जी को मोक्ष प्राप्त हो गया। एक ही उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त हो गई। सारी दुनिया ने देखा मुक्ति प्राप्त करने का तरीका। ऋषि दानंद जी ने यह पता लग गया कि कल मृत्यु होनी है, सबको ये कह दिया कि कल 10 बजे यज्ञ के बाद मैं प्राण छोड़ दूंगा। सारी दुनिया इकट्ठी हुई, ऋषि जी ने उपदेश किया। उपदेश के बाद स्वामी दानंद जी ने यह कहा भगवान से, भगवान आपकी इच्छा पूर्ण हो, और शरीर को छोड़ दिया। ये सब ने देखा, ये है मोक्ष, मुक्ति। ऐसी इसको कहते हैं ज्ञान। तो आप भी ज्ञान प्राप्त करिए, ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के बगैर हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। ज्ञान आप गुरुकुलों से भी प्राप्त कर सकते हो, वेदों से भी प्राप्त कर सकते हैं, और विद्वानों के पास जाकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। साथियों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे हम एक बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, बच्चा किसी क्लास में चला जाता है, किसी भी क्लास में होता है, अध्यापक उसे कहता है भैया मेहनत कर ले तू बहुत अच्छी, ऐसा ना हो कि तू फेल हो जाए इस क्लास में। और कुछ बच्चे जो समझदार हैं वो तो बहुत मेहनत करके क्लास में पास हो जाते हैं, जो मूर्ख हैं जो ज्ञान प्राप्त नहीं करते उस क्लास का वो फेल हो जाते हैं, और फिर पुनः उसी क्लास में। यही हाल हमारा है, यदि हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो पुनः फिर इस संसार में किसी न किसी रूप में, ये नहीं कि मनुष्य रूप में, रूप कोई और हो सकता है, किसी भी जीव में हमारी आत्मा आएगी और हमें रहना पड़ेगा। और ये मनुष्य रूप ऐसा है जिसमें मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन दूसरी योनियों में मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। जैसे पशु है, भैंस है, गाय है, बैल है, घोड़े हैं, और इतनी जितने भी पशु हैं, ये कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। ये तो मनुष्य का अधीन है, इनको बांध कर रखते हैं। एक बैल को बांध कर रख दिया, वो अपनी मर्जी से ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ कर सकता है। सभी जीवों की यही हालत है। दूसरी योनिया है भोग योनि, और ये है कर्म योनि। इसमें मनुष्य कर्म कर सकता है, और कर्म करके जो है इस आवागमन के चक्कर से, 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, भाइयों और बहनों, इस चक्रव्यूह से प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न करो। जैसे अच्छे व्यक्तियों के पास सुबह शाम मिलते हैं, उनसे बातें करो, उनको नमस्कार करो, उनसे आशीर्वाद लो, वो दिल से आशीर्वाद देंगे तो निश्चय रूप से आपका भला होगा।
क्योंकि अच्छी आत्माएं दिल से आशीर्वाद देती हैं। एक उदाहरण देता हूँ, एक भिखारी रेल के अंदर भिक्षा मांग रहा था, उसका एक हाथ भी नहीं था, अंधा भी था। उसने भिक्षा मांगी, वहाँ एक बर्थ के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसने 1 रुपया नीचे को दिया, भिखारी तक उसका हाथ नहीं पहुँचा। नीचे बर्थ पे जो व्यक्ति बैठा था उसने उसको रुपया दे दिया, उसने भिखारी को दे दिया और भिखारी ने आशीर्वाद दे दिया, आप जो हैं भगवान आपको सुखी रखे। उसके साथ जो व्यक्ति बैठा था जिसने रुपया दिया, जो नीचे वाला, उसने कहा, भिखारी रुपया तो किसी ने दिया, आपने आशीर्वाद किसी को दे दिया। भिखारी ने ये कहा कि भैया सुन, मैं तो अंधा हूं लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है, ये वहीं पर जाएगा जिसने पैसा दिया। तो साथियों, अच्छे व्यक्तियों के आशीर्वाद प्राप्त करो, विद्वानों के आशीर्वाद प्राप्त करो, वो फलीभूत होंगे। उनसे हमें जो है हमारे विचार सात्विक बनेंगे, हमारा मन सात्विक होगा, हमारी बुद्धि सात्विक होगी, हमारी आत्मा स्वच्छ होगी और हमें मोक्ष प्राप्त करने में बहुत सुविधा मिलेगी। साथियों, एक बात बताता हूँ मैं, जैसे आप कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो, मैं भी कहता हूँ जहाँ ज्ञान प्राप्त करो, इन संसार में किससे ज्ञान प्राप्त करें? पहले लोग आसाराम जी के पास जाया करते, लेकिन वो कैसे निकले सबने देख लिया, उनकी सजा होगी, वो कैद में है, ऐसे गंदे कर्म करते थे। ऐसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करवा सकते हैं क्या? फिर व्यक्ति जाने लगे रामपाल, ये हमारे हरियाणा के हैं, वो भी ऋषि थे, बहुत बड़ा आश्रम था, लोगों ने उसमें श्रद्धा दिखाई, सोचने लगे यही मोक्ष हो जाएगा हमारा। उसका भी क्या हल हुआ? वो भी अपने गंदे कर्मों से बाज नहीं आए, उनकी भी सजा होगी। उसके बाद लोग तो ढूंढते हैं कोई अच्छा व्यक्ति मिले। फिर के पास एक व्यक्ति है, मैं नाम का नहीं जानता, अभी अभी रोहतक जेल में बंद थे और उनकी भी सजा होगी इन्हीं कर्मों के कारण, वो भी रोहतक जेल में बंद थे अब पीछे तक, अब पता नहीं। तो किसके पास जाएं? व्यक्ति पहले दिखते बहुत अच्छे हैं, ये साधु है, ज्ञान भी है, वो बड़े रोमांचक बड़े रुचि पूर्वक ऐसे ज्ञान देते हैं, लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या छिपा हुआ है ये हम नहीं जानते। तो आज के टाइम में तो जैसे मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, स्वामी रामदेव जी हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मचारी हैं, लोगों को योगा सिखाते हैं, उनके योगासन देखिए, प्रवचन भी देते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वो मुझे तो सात्विक आदमी लगते हैं, बहुत नेक आदमी लगते हैं मुझे आज के टाइम के, मैं उनको ऋषि कहने में बिल्कुल मुझे कोई संकोच नहीं है। आप ये ना समझना कि आप उनको बता रहे हैं, नहीं, मुझे वो नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, जानता तो मैं इनको भी नहीं, आशाराम को भी, रामपाल को भी और पंजाब वाले, मैं इनको भी नहीं जानता। लेकिन अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना तो हमारा फर्ज है ना, हमें एक तरफ से तो उपदेश कर रहे हैं और अच्छे को अच्छा ना कहें, बुरे को बुरा नहीं कहें, ये तो कोई बात नहीं। तो मैंने जो जैसा था मैंने उसके बारे में बता दिया और आप जो हैं आज से इस लक्ष्य पर लग जाएं कि हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, सारे संसार के सुख छोड़ करके, सारे स्वादिष्ट भोजनों को छोड़ करके, सारे पारिवारिक काम छोड़ करके, यानी सारी चीजें छोड़ करके इस काम पर लग जाएं कि मैंने मोक्ष प्राप्त करना है। फिर पता नहीं मौका मिले या ना मिले, अब मौका मिला हुआ है, दूसरे मौके की तलाश में नहीं रहना चाहिए कभी भी। अब जो मौका मिला इसे जाने क्यों देते हो? इस मौके को हाथ से मत जाने दो। भगवान भी यही कहते हैं कि आप ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करो, नहीं तो इस बंधन से मुक्त नहीं होगे। तो साथियों,
मैं इस सेकंड पार्ट में यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे तैसे कहीं से भी साधन मैंने अनेक बता दिए, आप ज्ञान प्राप्त कीजिए और इस सांसारिक आवागमन से, 84 लाख योनियों के इस बंधन से, आवागमन से मुक्ति अवश्य प्राप्त करो ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। क्योंकि मनुष्य रूप, मनुष्य योनि हमें मिली इसीलिए है कि हम अपना मोक्ष प्राप्त कर ले इसमें, क्योंकि और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि और योनियों में ना इतना ज्ञान होता, ना वो कर्म करने में स्वतंत्र होती है। इसलिए अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे इस फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, धन चाहे तो धर्म करो, मुक्ति चाहे तो भजन करो, दोनों पार्टों को अच्छी तरह से सुने जब आपको समय मिले, और इन पर अमल भी करें। और आखिर में मैं ये चाहता हूँ, मेरी प्रार्थना है कि आप इनको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और मैं अंत में आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। पुनः एक बार धन्यवाद।